नागपुर शहर में कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है। महापौर संदीप जोशी ने लोगों से अपील की है कि वे कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कम से कम 2 दिन के लिए जनता कर्फ्यू का स्वेच्छा से पालन करें। संदीप जोशी इन्होंने कहा कि कर्फ्यू लोगों द्वारा लगाया गया स्वैच्छिक कर्फ्यू है। इस शहर का स्वास्थ्य हमारे प्रत्येक की जिम्मेदारी है। कोरोना का संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। 2 दिनों में यदि आपका व्यवहार इस परिवर्तन पर ब्रेक लगाता है तो आपको इस शहर के जनता कर्फ्यू का पालन करना चाहिए। शहर के सभी जनप्रतिनिधियों के अनुरोध पर नागपुर महानगर पालिका ने जनता कर्फ्यू की अपील की। जनता कर्फ्यू का मतलब आत्म अनुशासन है, इसलिए यह सवाल उठाने के बजाय कि क्या बंद हो जाएगा, क्या यह बंद हो जाएगा, क्या पुलिस जुर्माना होगा, क्या NMC द्वारा जुर्माना लगाया जाएगा, हमें एक प्रतिज्ञा करनी होगी कि हम 2 दिनों के लिए अपने घर से बाहर नहीं जाएंगे। यदि आप अपने परिवार के बारे में चिंतित हैं तो आपको एक सार्वजनिक कर्फ्यू का पालन करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि व्यापारियों को यह ध्यान रखना होगा कि चिकित्सा सुविधा और दवा की दुकानों को छोड़कर सार्वजनिक कर्फ्यू के दौरान कुछ भी जारी नहीं रहेगा। महापौर संदीप जोशी ने यह भी कहा कि उन्हें कई व्यापार संघों से पत्र मिले हैं जिसमें कहा गया कि जनता कर्फ्यू का पालन करेंगे। सार्वजनिक कर्फ्यू के दौरान परीक्षा देने वाले छात्रों को किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्हें अपना हॉल टिकट अपने साथ रखना चाहिए। कोरोना के खिलाफ लड़ाई को तेज करने और कोरोना श्रृंखला को तोड़ने के लिए सार्वजनिक कर्फ्यू सफल होना चाहिए। इंडिया न्यूज के लिए क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।